जय हिंद दोस्तों, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आपके कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाई थी और आप लोगों से हमें बहुत प्यार मिला था, और काफी बच्चे जिन्होंने भी वीडियो देखी थी काफी ज्यादा सहमत थे, उनके कमेंट्स हमने देखे बच्चों के। तो हम आपसे अभी भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो भी एग्जाम है, जो भी आपके कट ऑफ था, आपकी जो भी रनिंग के रिगार्डिंग जो आपकी टाइमिंग आ रही है वो भी आप बताइए। इससे देखिए फायदा क्या होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका कम टाइमिंग आ रही है अभी, उनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होगा और आपके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा कि आप भी अगर कम टाइमिंग आई है तो दूसरा मोटिवेट होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आधी वीडियो देख के थोड़ी बहुत 2-3 मिनट 4 मिनट की देख के फिर स्किप मार देते हैं और फिर अपने हिसाब से अपनी राय देते हैं बच्चे। तो पहले हम यही बोलेंगे कि पहले पूरी वीडियो तो देख लीजिए, उसके बाद आपकी राय जरूर सुनेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने आपको आपके दो कोर्ट केसेस जो थे, आपके कोर्ट केसेस चल रहा है आपका, तो दो हियरिंग और हो चुकी है जो आपकी कोर्ट केसेस की थी। तो इन सब का हम नतीजा बताएंगे, एक ओवरऑल क्या होगा, क्योंकि देखिए रोज कोर्ट केसेस में आपकी तारीख होती नहीं है, तो बिना मतलब कि क्यों आपका टाइम खराब करें, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते थे। वरना 5-10 मिनट की वीडियो जैसे और यूट्यूबर्स लगे पड़े हैं अपना, आधे से ज्यादा तो ये समझिए कि यूपीएससीआई का जो रिजल्ट है इसी के बेसिस पे आधे ज्यादा के तो चैनल ऐसे ही चल गए हैं, कोर्ट केसेस कभी कुछ कभी कुछ। यार एक चीज बताओ, जो कोर्ट केस में कुछ हो ही नहीं रहा तो उसे बताने का क्या फायदा है, एक चीज बताइए आप। क्योंकि हियरिंग हो नहीं रही है, हर बार हर 5 मिनट में, हर एक एक हर अगले दिन में, आप ये बताइए रोज की 10-10 15-15 मिनट की वीडियो डालने से फायदा क्या है इस चीज का। तो हम इसलिए नहीं बता रहे थे, हम वैसे ही छोटी मोटी न्यूज जो होते हैं उन्हें हम वैसे ही डाल देते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपका जो आपकी कोर्ट केसेस है। तो देखिए अभी तक आपकी जो भी हियरिंग हुई है, 6-7-8 जो भी हियरिंग हुई है, उनमें मोटा मोटा ये निकल के आया कि आपकी कभी डेट नहीं आती, कभी आपकी जो सुनवाई है वो नहीं होती। तो मोटा मोटा यही है, जो आपका अभी 2 मार्च का जो अभी हियरिंग हुई थी उसमें भी आपका कुछ ऐसा खास आया नहीं है, हियरिंग ही नहीं हुई आपकी। तो इस सब से देखिए क्या पता चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि ठीक है हियरिंग तो हो रही है, लेकिन जो आपका DVPST और रनिंग की डेट आनी है वो नहीं रुकने वाली, इस हिसाब से जो आप कोर्ट में चल रहा है। तो आप कोर्ट केस के भरोसे मत रहिए, जिनके भी अच्छे नंबर हैं, अच्छे अच्छे नंबर मतलब वही आपके कैटेगरी के हिसाब से, वो हमने आपको बता दिए हैं पहले ही, मेल के भी फीमेल के भी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो अभी हम आई बटन पे आप क्लिक करके जा सकते हो, वहां से आप वीडियो देख सकते हो, वरना हम लास्ट में जो एंड स्क्रीन में होता है वहां पे आपके लिए वीडियो डाल देंगे। तो देखिए कोर्ट केसेस के हिसाब से हमने आपको बता दिया कि अभी ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा है कि हाँ हाँ भाई भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो बच्चे यही सोच रहे थे कि DVPST रनिंग की तैयारी जब करेंगे, पहले रिजल्ट आए, ये आए, वो आए, तो देखिए ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपका जो भर्ती है और इस सब के बीच में ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। मान के चलिए आज आपकी 3 मार्च है, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपको जैसे आपका रिजल्ट 10 मार्च हुआ जाए, ये एग्जाम्पल है भाई, सेम समझ लेना कि हाँ 10 10 मार्च बताया है, एक एग्जाम्पल लीजिए 10 मार्च हुआ है, तो एक हफ्ते के अंदर आपका DVPST हो जाएगा और उससे एक हफ्ते के बाद ही आपका रनिंग हो जाएगी। तो देख लो भाई कितना टाइम है आपके पास, 6-7 दिन, एक हफ्ता मैं वैसे बता रहा हूँ, 7 दिन ये ले लो, 7 दिन ये ले लो, तो 13-14 दिन ही है आपके पास टोटल, उसमें से एक दिन आप DVPST के लिए जाओगे। तो जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं मैं यही बोलूंगा कि तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और 10-12 दिन में जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत रनिंग की प्रैक्टिस है मतलब रिदम में है, किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो एकदम से समझ रहे हो ना आप, एकदम से मिल्खा सिंह बनेंगे, तो दिक्कत होने आने वाली है इसमें। तो अब देखिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था आपका कि जो आपकी 12 मार्च या 15 मार्च को रिजल्ट आएगा। भाई देखो 10 मार्च का आपका रिजल्ट है, उसके बाद आपको ही बताए सरकारें बनेंगी, गवर्नर के पास जाएंगे, लंबा प्रोसेस है। तो क्या आपको लग रहा है 12 मार्च मतलब रिजल्ट छोड़ के एक दिन बाद ही आपको रिजल्ट आ जाएगा? तो भाई ये कहीं से भी लॉजिक नहीं है, जो भी इस अफवाह को फैला रहे हैं भाई इससे थोड़ा डांट के रखिए, रोक के रखिए, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक है नहीं अभी भी कि 12 मार्च को आ जाएगा। और देखिए 15 मार्च को भी ना के बराबर चांस है, 1% भी नहीं बोलूंगा मैं, पूरे 1% भी चांस है, 1% से भी कम चांस है। क्योंकि अभी अभी जो आपका एक रिजल्ट आया था, तो जो आपका इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला जाता है सारी चीजें। तो जैसे ही भर्ती बोर्ड ने पूछा कि एक रिजल्ट हमें निकालना है, यूपीएससीआई का नहीं, दूसरा एक रिजल्ट था, तो उसमें क्या था, उन्होंने बोला था कि 15 तारीख तक आपको वेट करना होगा, 15-16 तक। तो इसका मतलब जो उन्हें ही वेट करना है, तो आपका रिजल्ट देखो तैयार है, मैं ये नहीं बोल रहा तैयार नहीं है, यूपीएससीआई का रिजल्ट तैयार है,
लेकिन 15 को आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो आप जो आपका रिजल्ट है, अब देखिए आप रिजल्ट कब तक मान सकते हो अपना, रिजल्ट आप अपना मान के चलिए जो हमारे हिसाब से अंदाजे से पूरा बता रहे हैं, पूरा हिसाब लगा के कब आ सकता है, सारी चीजों को 100% सिक्योर करके आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ सकता है 22 मार्च के करीब आपका रिजल्ट आ सकता है। इसका DBPST के लिए बोल रहा हूँ मैं, 22 मार्च तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो जो आपकी डेट्स हैं, मतलब 22 मार्च के बाद बाद, यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, 22 मार्च के बाद बाद आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं। 22 मार्च से जो आपका अप्रैल का वीक है, मतलब 22 मार्च से 31 मार्च तक, मतलब आखिरी हफ्ते में मार्च के आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और देखिए, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, हमने आपको यही बताया था कि रिजल्ट आपको कब आ सकता है, तो लास्ट वीक ही बताया था, अब भी वही बता रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा रनिंग का जो आपका हिसाब किताब है, सिस्टम है अपना, बनाइए 22 से 31 मार्च, मतलब आखिरी वीक जो है आपका मार्च का, उसमें आपके DBPST के लिए रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और उसके 1 महीने 1 हफ्ते बाद ही, इसका मतलब 31 मार्च से 1 हफ्ता बाद ले लीजिए, अप्रैल के पहले हफ्ते में आपका DBPST और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आपका रनिंग के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी जो रनिंग है, जो कंटिन्यू कर रहे होंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज रनिंग कर रहे होंगे, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर रहे होंगे, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी भी अगर आपने अपना स्टार्ट नहीं किया है रनिंग, तो स्टार्ट कर लीजिए। आज आपका 3 है, इसका मतलब आपके पास अभी भी मोटा मोटा 1 महीना है। क्या है आपके पास? 1 महीना मोटा मोटा है। आप अभी भी अगर रनिंग स्टार्ट कर लोगे तो भी आपका भला हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो कट ऑफ थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो हमने कट ऑफ में क्वेश्चंस बताए थे वो नॉर्मलाइजेशन से पहले के क्वेश्चंस थे। नॉर्मलाइजेशन से पहले का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपके इतने हैं तो आप इस कैटेगरी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर देखिए आपके कुछ कम नंबर हैं, अब अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हो, फिजिकल नहीं आता आपका, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपने रनिंग तो की है, अपने फिजिकल फिटनेस करी है। लेकिन ये सोचिए कि जिसकी रनिंग आ जाए और उसने तैयारी ना करी हो, 1-2 नंबर कम सोच के, और उसका फिजिकल आ जाए और वो फिर फिजिकल में रह जाए, तो उसके लिए कैसा होगा? आप समझ सकते हो ये पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो रनिंग पर ध्यान रखिए। रिजल्ट हमने आपको बताया 22 तारीख से 31 तारीख तक आपके रिजल्ट के चांसेस हैं। और देखिए मुझे पता है आप 28 मार्च की जरूर बोलेंगे, क्योंकि ये काफी अफवाह में उड़ रहा है, 22, 12 मार्च, 15 मार्च और 28 मार्च। तो देखिए दो तो कैंसिल ही कर दीजिए, पहले ही 12 और 15। तो आपका जो मोटा मोटा है वो 28 मार्च, इसलिए देखिए 22 से 31 बोला है, ये लास्ट वीक है आपकी, इसमें आपके चांस हैं काफी आने के, क्योंकि जो भी सरकारी वरकार है, जो भी सब कुछ आपका बनना है, सारा सिस्टम 14-15 तक सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है फिर जो भी कमांड है वो अपनी सरकार के पास चली जाएगी, इलेक्शन कमीशन से, और फिर आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलने के पूरे पूरे चांस है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बोलेंगे, और अगर आपको कट ऑफ वगैरह अपनी देखनी है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। कोर्ट केसेस का हमने आपको बता दिया है, कुछ मोटा मोटा ऐसे चल नहीं रहा है, तो हर हियरिंग में आपकी सुनवाई होती नहीं है, रोज रोज वीडियो लाने से क्या फायदा है। तो अभी तक का जो कोर्ट का अपडेट था वो हमने आपको बता दिया है, रिजल्ट बता दिया है। रनिंग के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपना रनिंग कंटिन्यू रखिए। तो जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।